वेलकम वेलकम शाहिन की किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल हलवाई जैसी लगने वाली छोले की सब्ज़ी मेरी स्टाइल में। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि छोले की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आ जाइए मेरे साथ मेरी किचन में, मिलकर बनाते हैं छोले की सब्ज़ी। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट करें। हाँ, तो देख लेते हैं कि छोले बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो छोले बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ ये 250 ग्राम छोले लिए हैं। इन्हें मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था नीम गर्म पानी में, और ये भीग चुके हैं। और अब हम इन्हें करेंगे बॉईल प्रेशर कुकर में डालकर 2 सीटी आने पर तो करेंगे हम इन्हें बॉईल। इन्हें करते हैं साइड में और देख लेते हैं। लिया है 4 बड़े साइज के प्याज, इन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है। और मैंने 1 हरी मिर्च ली है, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और मैंने लिया है यहाँ टमाटर केचप सॉस ली है मैंने ये फ्रेंड्स, तो ये मैंने 1 टेबल स्पून ली है। और मैंने क्रश किया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून लिया है। 2 टमाटर इन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है। और देख लेते हैं कुछ सूखे मसाले कुछ खड़े मसाले। तो छोंकने के लिए मैंने खड़े मसाले ले लिए हैं। तो इसमें लिया है मैंने ये 3 तेज़पत्ते लिए हैं गर्म मसाले के, और मैंने गर्म मसाले का फूल लिया है। 1 बड़ी इलायची ली है, और दालचीनी के टुकड़े क्रश करके लिए हैं, ये देख सकते हैं आप छोटे टुकड़ों में। और मैंने ली है 1 पिंच हींग, ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून, कसूरी मेथी ली है 1 टीस्पून। तो इन्हें करते हैं साइड में। हाँ, तो फ्रेंड्स देख लेते हैं सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में मैंने लिया है यहाँ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून मैंने छोले मसाला लिया है, ये छोले का मसाला है। और रेगुलर लाल मिर्च 1 टीस्पून, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर। तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं आगे की प्रोसेस। तो मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है गर्म होने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं गैस की। फ्रेंड्स कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी थी और कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। ऑयल भी मैंने इसमें डाल दिया था। तो मैंने लिया है यहाँ मस्टर्ड ऑयल, मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप जो आपका दिल चाहे आप उससे बना सकते हैं, ये किसी भी ऑयल में बन जाती है। तो फ्रेंड्स ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म है, मस्टर्ड ऑयल है तो इसे अच्छी तरह से गर्म हो जाना चाहिए, वरना हमारी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है फ्रेंड्स। तो बस अब मैंने लिया है यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल, और अब मैं इसमें डालूंगी ये खड़े मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं फ्रेंड्स, ये सारे मैं डाल दूंगी। तो ये जाएंगे हमारे। तो फ्रेंड्स मसाले हमारे सोते हो गए हैं, और अब मैं इसमें डालूंगी प्याज जो मैंने बारीक कट करके रखी है, मैं सारी डालूंगी। तो ये देखिए मैंने सारी बारीक कट की हुई प्याज डाल दी है, और मैंने इसे मिक्स भी कर दिया है। और अब इसे हम फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक। तो मिलते हैं 5 मिनट बाद, इस प्रोसेस को हमें 5 मिनट लग जाएगा। तो फ्रेंड्स प्याज हमारी फ्राई हो रही है, तब तक हम हमारे चनों को बॉईल कर लेते हैं छोलों को। तो मैंने इनको डाल दिया है प्रेशर कुकर में 2 ग्लास पानी डालकर, और अब मैं डालूंगी इसमें बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं है फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा है, ये 1/2 टीस्पून है, ये हमारा सारा जाएगा इसमें, ये डाल दूंगी मैं। और नमक डालूंगी, नमक मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। और नमक स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, नमक थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि हमने मसाले में भी लिया है। तो ये मैंने डाल दिया है फ्रेंड्स, और अब इसको 2 सीटी आने तक हम बॉईल करेंगे। तो लगा देते हैं प्रेशर कुकर का ढक्कन। हमारी प्याज का अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, और अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च डालेंगे, तुरंत मिक्स करेंगे, और डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन, इसे भी मिक्स करेंगे। तो अदरक लहसुन भी हमने मिक्स कर दिया है, और बस 2 मिनट भून लेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, और अब हम डाल देंगे हमारे ये सारे सूखे मसाले, ये सारे जाएंगे, और बस मिक्स कर देंगे। सिंपल सी झटपट से बनने वाली आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस इसको भी हम भूनेंगे, और इसमें डालेंगे अभी हम पानी। तो इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 कप पानी, ये भी जाएगा, और इसे मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे हम। पहले इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे, फिर मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे फ्रेंड्स। तो कर लेते हैं 5 मिनट। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, और मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, और मैंने बीच बीच में पानी डाल डाल कर भुना है, देख सकते हैं आप ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। और अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें ग्रेट किए हुए टमाटर, ये जाएंगे हमारे, और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से।
इसे भी 2-3 मिनट भूनेंगे हम मसाले के साथ। तो भून लेते हैं फ्रेंड्स। तो 5 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह से हमारे टमाटर भुन चुके हैं। और अब मैं डालूंगी इसमें ये केचप, टमाटो सॉस, ये भी जाएगा और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे डालकर भी हम 2-3 मिनट भून लेंगे। तो मिलते हैं 2-3 मिनट बाद। तो ये देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं और बस इस पॉइंट पर अब मैं डालूंगी हमारे छोले। तो मैं छोले डालती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, छोले हमारे बॉयल हो चुके थे और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए बस इतना कि हम जब तोड़े तो ये आसानी से टूट जाए। ये देखिए बस मैंने इतना ही बॉयल किया है इसको, 2 सीटी आने तक। तो अब हम करेंगे इसे मिक्स अच्छी तरह से। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और बस अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे फ्रेंड्स। तो डालते हैं पानी। तो फ्रेंड्स, मैंने चने डालकर 5 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ 1 कप। तो पानी डालकर हम मिक्स करेंगे और पानी हम अपने अकॉर्डिंग डालेंगे कि हमें इसमें पानी कितना डालना है, हमें ग्रेवी कितनी रखनी है। मैं बस 1 कप डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पानी ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। और आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं फ्रेंड्स, आप अपने घर के बॉस हैं, जैसा आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँगी फ्रेंड्स। पहले मैं हाई फ्लेम पर पकाऊँगी और फिर मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पकाऊँगी 5 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह से हमारे छोले पक चुके हैं, देख सकते हैं आप। ऑयल भी अच्छी तरह से सेपरेट है। तो बस इस पॉइंट पर हम करेंगे गैस की फ्लेम को ऑफ और फ्रेंड्स कर लेते हैं डिश आउट। तो चलिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिश आउट कर लिया है और धनिया पत्ती से गार्निशिंग भी कर लिया है। यम्मी टेस्टी खूबसूरत सी दिखने वाली हमारी छोले की सब्ज़ी हो चुकी है रेडी। तो फ्रेंड्स, एकदम झटपट से बनने वाली आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करिएगा। और कैसी लगी आपको मेरी ये छोले की सब्ज़ी की रेसिपी फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा। तो चलती हूँ फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।